और धनुष की तरह चलती है, इस तरह से खींचना पड़ता है। पीछे खींच के फिर आगे कर दो। नहीं, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज है पीयूष कुनाली का लास्ट एग्जाम, उसके बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर पूरी फैमिली कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं दाल चावल। तो अब मैं जा रहा हूँ पीयूष और कुनाली को स्कूल से लेने के लिए, उनका लास्ट एग्जाम था ना, तो आज पोर्स में लेके आते हैं उनको। पीयूष और कुनाली मेरा वेट कर रहे होंगे, थोड़ा लेट हो गया मैं, तो बाहर ही खड़े होंगे वो। आ गए, आ गए। हो गया एग्जाम? एग्जाम खत्म। कैसा हुआ? मस्त। कुनाली कैसा हुआ? बढ़िया। ओके कुनाली चलो। हैं? चलो हो गया। बाय कुनाली। बाय। कुनाली जगह कुनाली जगह नहीं है यार। आपको 10 रुपए दूं ऑटो करके आ जाओ। 10 रुपए दूं ऑटो करके आ जाओ। आ जाओगे ऑटो से? आ जाओगे? कुनाली बोल रहा ऑटो। ऑटो ऑटो पकड़ के जा सकते हो आप। सच्ची जा रहे हो क्या? चले जाओगे ऑटो में? सच्ची सच्ची बताओ। आपका आपका मुंह तो रोने जैसा हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ ना। अरे मजाक कर रहा था यार। अरे मजाक कर रहा था। क्या अकेले रहोगे यहाँ? रह लोगे अकेले? सच्ची बताओ। आओ चुपचाप आओ। पता था कि आप प्रैंक कर रहे हो। अपना भाई को छोड़ ही नहीं सकता। अब जा सकते हैं हम घूमने के लिए कहीं भी, क्योंकि कुछ दिनों तक छुट्टियां रहेंगी, कोई टेंशन नहीं एग्जाम की, स्कूल की। मैं तो गोवा जाऊंगा। कुछ नहीं है। चले फिर अब। गाइस ये फीलिंग अलग होती है अपने भाइयों को अपने ड्रीम स्कूल में भेजने की और लेके आने की, वो भी अपनी ड्रीम कार में। पीयूष आज से हो चुका है 9th क्लास में और कुनाली हो चुका है 2nd क्लास में। कुनाली शायद हुआ है, ठीक है शायद। क्यों? अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पास तो हो जाओगे ना कुनाली? पास तो हो जाओगे। मेरे को लगता है हो जाएगा। हो जाएगा भाई। घर पहुंच गए, पेपर खत्म। तो अब जा रहा हूँ मम्मी चाची और अम्मा को छोड़ने के लिए, ये जा रहे हैं होली में। मम्मी जाना 2 दिनों के घर पे। चले चले। तो अभी कुनाली के लिए एक स्पेशल पिचकारी आई है, ये देखो धनुष वाली पिचकारी। अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखो भाई यूनिक सी है, असेंबल करनी पड़ेगी। कुनाली आपके कपड़ों से मैच कर रही है, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन। इलेक्ट्रिक है ये, खोलना पड़ेगा। सेल डलेंगे इसमें, साथ में 4 कलर मिले हैं, 3 सेल डल रहे हैं इसमें। सेल डाल दिए इसमें। इसमें ना इस बॉटल में एक चीज दे रखी है। ओ भाई कितना मस्त है, कितने सारे बबल्स भाई साहब। ये देखो इसमें थोड़ा सा डिप करो एंड फिर ये देखो सर्दा। ओ भाई थोड़ा पानी। और ये बॉटल थी ना, इसमें पानी डलेगा, तो पानी भर के लाओ इसमें। जाओ भाई, हमारे टाइम में तो इस तरह कोई चीज आती नहीं थी। हमारे टाइम में तो नॉर्मल छोटी पिचकारी आती थी, हम वो भी नहीं ले पाते थे, बट अब देखो भाई कैसी कैसी चीज आने लग गई है। बहुत दूर तक जा रहा है। देखो घर की लामत कर, घर की लामत कर। बहुत तेज प्रेशर है, मत कर। ये छुप गया, ये छुप गया। और धनुष की तरह चलती है, इस तरह से खींचना पड़ता है। पीछे खींच के फिर आगे कर दो। ये तो बहुत ही ज्यादा भयंकर निकली, बहुत ही तेज प्रेशर है, एकदम चुभ रहा है प्रेशर इसका। ऊपर से बबल भी निकल रहे हैं। अबे नहीं नहीं घर के अंदर नहीं, अबे घर के अंदर मत करो भाई। भाई मम्मी ने तो फायदा उठा रहे हो। वो डर गया था मैं। अच्छा दादाजी यहाँ पे लेट हो, मैं एकदम से डर गया था। दादाजी देख लो यार, मत करो ऐसा। दादाजी डांट 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 दो, डांट दो। अरे मार तेरा गेमिंग पीसी, गेमिंग पीसी। भाई पूरा भिगा दिया इसने मुझे। हटो साइड हटो। कुछ भी चलाने आती है? चलाने आती है? तो यहाँ पे छुपा देता हूँ इसको, इसमें डाल देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। यार यहाँ कोई फिसलेगा भाई, पानी पानी हो रहा है। अबे इससे पोछा क्यों लगा रहा है? बेटे उल्टे काम मत करो, मम्मी देखेगी ना। बेटे मम्मी देखेगी ना ये ब्लॉग, तुमको तो भाई छोड़ेगी नहीं, मम्मी देखेगी तो ये ब्लॉग। ये देखो भाई पोछा लगाने का स्टाइल, अगर आपको भी घर में पोछा लगाना है तो इस तरह से लगा सकते हो गाइस। बट लिटरली पोछा लग गया है। मम्मी जब ब्लॉग देखेगी ना छोड़ेगी नहीं तुम दोनों को, पहले बता रहा हूँ। अरे चाचा जी देखो जल्दी क्या कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। पोछा
पीयूष को लॉक कर दिया। तो अब लंच करता हूँ, दाल रोटी सब्जी दलिया चटनी मिर्च। तो ये होता है खाना यार, क्या खा रहे हो? रोटी सब्जी यार। क्या होता खाना? स्पाइसी नूडल्स देखो, खाओगे? तो गाइस अभी हम निकाल रहे हैं अपनी पोर्स की हवा, बिकॉज में ज़्यादा हवा हो रखी है, 40 हो रखी है, तो हमको 30 करनी है। अब इस वाले टायर की बारी, सारे टायरों में हवा ज़्यादा हो रखी है। तो गाइस घूमते फिरते हम जा रहे हैं मम्मी के पास में, मम्मी है पूजा दी घर पे, आज वहीं पे होली है, तो चलते हैं वहीं होली बना के आते हैं। तो गाड़ियाँ पार्क कर दी है, अब चलते हैं। मम्मी चाची और अम्मा तो मस्त बैठे हैं यहाँ। तो भी गाइस हम घर आए थे पिचकारी लेने के लिए और साहिल और कुनाली को लेने के लिए, तो चलते हैं अब पानी भर के लेके चलो भाई। तो गाइस पोर्स हमने यहीं पर खड़ी कर दी है, तो हम फॉर्चूनर लेके जा रहे हैं अब। चलो भाई आगे, तीनों भाई आगे हैं। तुम गेट खोल के और ये भाग जाएगा यार, गेट अरे गेट बंद करो, और ये भाग जाएगा, जल्दी गेट बंद करो जल्दी। गाड़ी से उतार दूंगा, रास्ते में उतार दूंगा गाड़ी से, बड़े उतार दूंगा रास्ते से ही, रास्ते में। कहाँ से आए वो? हॉस्टल से। हॉस्टल में कैसे देखते हो? हॉस्टल में तो नहीं मिलता, घर पे आता लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ। लगन भीड़ लग गई, पहुँचने वाले उतरते सीधा। दो बच्चे तो वहीं पे दो बच्चे दिख रहे हैं। हमला भाई बच्चों के नाम पे हमको ये मिला है बस यहाँ। अरे आ गए आ गए बच्चे, आ गए बच्चे, आ गए ये गए बाहर की। कुनाली ने क्या हाल कर दिया? ओ भाई लड़ गए भाई, पीयूष को तो पकड़ लिया भाई आज, क्या बना दिया पीयूष को, मोए मोए। आप सबके ऊपर पानी आने वाला है। तो गाइस मस्त होली खेल ली हमने सबने, ये देखो इन दोनों के हाल देखो, तो प्रसाद ले रहे हैं। चल भाई अब चलते हैं सीधा घर, 6 बज चुके हैं। तो गाइस अब करता हूँ डिनर, भिंडी एंड रोटी बनी आज। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। लिपस्टिक किसको पटाके आ रहे हो? क्या पटाके आ रहे हो ना? मतलब